हाँ तो बस नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है जिसका नाम है 3 Body Problem। और मैंने उसको आज सुबह ही फिनिश करा था। सीरियसली यकीन मानो उसके अंदर जो मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिली थी भाई, बहुत सालों पहले मैंने डार्क देखा था उसके अंदर इस लेवल की मिस्ट्री थी। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे शोज देखे हैं लेकिन इतनी ज्यादा ग्रिपिंग भाई नहीं देखा भाई किसी और शो को। मतलब डार्क देखा था उसके बाद अब जाके इसके अंदर वाली मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिली है। और एक और बात कहना चाहूंगा कि इसके बारे में मेरे को कमेंट्स के थ्रू पता चला, इसके बारे में मेरे को नहीं पता चला था, ट्रेलर वगैरह भी मैंने देखा नहीं था और नेटफ्लिक्स भी मैं कुछ दिनों से देख नहीं पाया हूं क्योंकि थोड़ा इधर उधर बिजी चल रहा था। तो कमेंट्स के थ्रू मेरे को पता चला था, जिन्होंने मेरे को उसके बारे में बताया शुक्रिया शुक्रिया सच में, क्योंकि सीरीज भाई मेरे को सीरियस लेवल कमाल की लगी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बहुत सारी मूवीज वगैरह के अंदर देखा, शोज वगैरह के अंदर भी देखा, लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट करा गया, जिस तरीके से एग्जीक्यूट करा गया भाई, वो बहुत ज्यादा फ्रेश लगा। मतलब सिर्फ फ्रेश ही नहीं, मतलब इस तरीके को उसको फ्रेम करा गया कि बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लगा। ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर हकीकत में हो सकता है। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं शो के बारे में तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं उसके बारे में। कहानी शुरू में हमको लंदन के अंदर लेके जाती है जहां पे कुछ साइंटिस्ट लोग किसी अनजान वजह से सुसाइड कर रहे होते हैं। तो क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी कुछ साइंटिस्ट लोग ही सुसाइड कर रहे होते, तो उनको एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और उस सबके बीच में एक लिंक ढूंढने की कोशिश करी जाती है। इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन से शो स्टार्ट होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है कहानी के अंदर भाई कुछ और होता जाता है। कहानी को एकदम से अलपलटने लग जाती है, एकदम से दिमाग घूमने लग जाता है कि शो के अंदर हो क्या रहा था। टू बी ऑनेस्ट से ज्यादा कुछ बताया था भाई, शो का आपका मजा खराब हो जाएगा। यकीन मानो मैंने इसको बिल्कुल से एकदम ब्लाइंडली देखा था, बिल्कुल से कोई ट्रेलर वगैरह कुछ भी ऐसे रीड भी नहीं करा कि इसके अंदर क्या ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब देखा तो भाई शो ने एक के बाद एक नया सरप्राइज दिया, जो मैंने तो भाई पर्सनल लेवल पर एंजॉय करा। सिर्फ पहले एपिसोड के अंदर एक ऐसा इवेंट होते हुए देखोगे उसके लास्ट में कि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी खुद बन जाएगी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, ये हुआ कैसे। और यही जानने के लिए तुम उसके बाद अगला एपिसोड देखोगे और अगला एपिसोड भी इस तरीके से एंड होता है कि तुम्हारा थर्ड एपिसोड देखने का मन कर जाता है। तो भाई हर एपिसोड इस तरीके से खत्म होगा कि तुम्हारा मन करने लगेगा कि अगले एपिसोड जाने के तुम रोक नहीं पाओगे भाई अपने आप को, क्योंकि हर एपिसोड के साथ इतने सारे सवाल बन जाते हैं दिमाग के अंदर। अब शो के अंदर कैरेक्टर्स वगैरह भी अच्छे खासे इस्तेमाल करे गए, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही कैरेक्टर के अराउंड कहानी घूमती रहती हो। मल्टीपल कैरेक्टर्स है, कुछ जरूरी है कुछ बेकार से कैरेक्टर है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती सबका कंट्रीब्यूशन समझ में आने लग जाता है। तो हाँ, सारे कैरेक्टर डेवलप अच्छे तरीके से गए हैं लेकिन किसी भी कैरेक्टर से कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाता, ये बात याद रखना। क्योंकि ये वाला जब शो देखोगे तो इसके कॉन्सेप्ट की वजह से ज्यादा देखोगे, इसके एग्जीक्यूशन की वजह से ज्यादा देखोगे, ना कि कोई कैरेक्टर से कनेक्शन होने की वजह से। अगर इसके अंदर कुछ मेजर नेगेटिव निकालना हो तो इसकी लेंथ भाई अच्छी खासी महसूस हो जाती है। फिफ्थ एपिसोड तक तो ये भाई शो अच्छा खासा एकदम पकड़ के रखता है, एक के बाद एक मिस्ट्री खुल रही होती है, लेकिन फिफ्थ एपिसोड तक ज्यादातर जो मिस्ट्री होती है खुल गई होती है। फिर उसके बाद जो इवेंट्स हमको दिखाए जा रहे होते हैं उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते, बाकी 3 एपिसोड ऐसा लगने लग जाता है कि बस खींचे जा रहे हैं क्योंकि इनको अगले सीजन तक कहानी लेके जानी है। तो मैंने पर्सनली भाई 5 एपिसोड तक बहुत ज्यादा एंजॉय करा, बाकी 3 एपिसोड के अंदर मेरे को तो हल्की हल्की नींद भी आने लग गई थी। अगर एक ओवरऑल कंक्लूजन देना हो शो को तो भाई डेफिनेटली मैंने एंजॉय तो जरूर करा इसको, 8 घंटे बाद सीरियसली वसूल हो गए। अगर रेटिंग देनी हो तो मैं इसको करीब 8.5 दूंगा आउट ऑफ 10। हालांकि मैंने शुरू में सोचा था 9 देता हूं, लेकिन 9 थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है क्योंकि लास्ट के 3 एपिसोड उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। लेकिन अगर लास्ट के 3 एपिसोड के अंदर उन्होंने कुछ भी अच्छा खासा दिखा दिया होता, कोई एकदम से टड़ा वाला मोमेंट हो गया होता तो शायद उसको 9 कर देता, लेकिन 8.5 थोड़ा सही लगता है। और जिस तरीके से शो खत्म हुआ है और उसके फ्यूचर में जैसे जैसे कहानी हो सकती है, सीरियसली भाई फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत ग्रैंड लेवल का बन सकता है। खैर, यही छोटा सा रिव्यू था इस शो के बारे में मेरा। तो अगर तुमने देख लिया तो भाई नीचे अपनी राय जरूर बता रहा, मेरे को भी जानना है किसको पसंद आया किसको नहीं पसंद आया वाला शो। मेरी तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है, अपनी मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।